देखिए आज यहाँ पर AIDWA ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक मार्च जो है वो मंडी हाउस से शुरू किया। यहाँ पर आके पार्लियामेंट स्ट्रीट पे सांसद मार्ग पे हम लोगों ने इस मार्च को ख़त्म किया है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा कि देश के काफ़ी हिस्सों से महिलाएं, गरीब महिलाएं आकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अपनी जगह सबकी एक अलग अलग डिमांड है। शोषण के खिलाफ खड़ी हुई हैं, भूख के खिलाफ खड़ी हुई हैं, रेप के खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है ऑल टुगेदर एक मैसेज टू द रूलिंग पार्टी, टू द सरकार, दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। एंड वी आर हियर। देखिए मेरा अगर ये एक ऐसा संदेश है जो कि गरीबों के पक्ष में जाता है, गरीबों के फेवर में जाता है, कि हम लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आई एम देयर। आज मैं आज इन महिलाओं को सपोर्ट करते हुए, AIDWA को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और मेरा भी ऐसा मानना है कि सरकार, देश में कुछ ना कुछ है जो खराब हो रहा है, और उस खराब को ठीक करने के लिए हम लोगों को एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हम सब लोग को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। देखिए जब हम लोगों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी तो हम सब ने एक साथ लड़ी थी, तब ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना दलित था, ना कोई था। मगर आजकल एक अलग ही हवा चल पड़ी है जहाँ पर डिवीजन हो रहा है, जहाँ डिवाइड एंड रूल हो रहा है। उस डिवाइड एंड रूल के खिलाफ जो है वो हम लोगों को आवाज़ उठानी है। तो दिस इज़ द हाई टाइम दैट वी ऑल नीड टू बी टुगेदर एंड वी नीड टू रेज वॉइस अगेंस्ट इट, बिकॉज इफ वी कीप मेंटेनिंग दिस साइलेंस आई थिंक वर्स्ट डे वुड कम। सी इफ यू कैन सी नाउ आवर कल्चर हैज डेवलप्ड वेयर पीपल आर यू नो स्टोन्ड, people are lynched, women are lynched, what kind of a culture has developed? And if today we will not break our silence, we will get targeted, I mean tomorrow everyone will become victim. So it is very important that we raise voice, and I mean we together come ahead and we raise voice against it. There are no hurdles, there are no problems that we are facing, everything is going very well, but it is that I can say after shocks in a way that I am still being abused. I am so being abused that I cannot tell you, like everyone coming and abusing. Is it just like someone standing for justice is targeted as anti-nationalist, is target is abused. It is just to weaken the movement, but then those things cannot weaken us. Let that be very clear.